SSP Global Jobs, the first job consultancy of Haryana. रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा। आप जानते हैं 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव में टिकट वितरण के बाद से ही पार्टियों में बगावत शुरू हो गई है, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को पार्टी की बात हो। अब आम आदमी पार्टी में भी हम बगावती सुर नेताओं के देख रहे हैं। रेवाड़ी में संजय शर्मा बनाम आम आदमी पार्टी, मतलब रेवाड़ी में अगर मैं सही सोच रहा हूं तो संजय शर्मा ने रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी की नींव रखी है, लेकिन संजय शर्मा ने निर्दलीय आवेदन किया है, उसी विषय में हम बात करते हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ है। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आम आदमी पार्टी के आप लगभग फाउंडर मेंबर रहे हैं, बावजूद इसके आप निर्दलीय आपने नॉमिनेशन किया है, उसका कारण क्या, जरा थोड़ा बताएंगे दर्शकों को। सर, चुनाव प्रक्रिया काफी खर्चीली है, काफी जटिल है, हम भी समझते हैं। तो पार्टी ने कैंडिडेट सिलेक्शन में, हालांकि हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो बड़े पदाधिकारी थे, उन सभी को कहा हुआ था कि हम भी चुनाव तैयारियां कर रहे हैं। और मैंने इतना भी बता दिया कि इतना सीधा साधारण सा बजट है, जो इतने अच्छे उस तरीके से हम चुनाव लड़ सकते हैं, इतना मैंने इंतजाम थोड़ा बहुत किया है अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके जैसे भी। तो उन्होंने ठीक, मैंने टिकट दे रहे हो नहीं दे रहे हो बताना जी, ताकि जल्दी उसी हिसाब से तैयारी कर ले। तो उन्होंने हाँ ठीक है बता देंगे। फिर लास्ट के 3 दिन उठाया नहीं फोन उन्होंने। अब हमें किसी और के थ्रू मालूम हुआ कि भाई सतीश यादव जी को टिकट मिल गई। टिकट मिल भी जाती कोई बात नहीं, लेकिन हमसे कम से कम बातचीत तो करते, विश्वास लेते, भाई कोई बात नहीं संजय भाई तुम्हारे पास इतना नहीं है, वो उसको दे देते, ये बात है वो बात है, हम मान जाते। क्योंकि हमें भी पता भाई हमारा इतना जनाधार नहीं, पैसे नहीं, वो नहीं, कई चीजें वो सब साधन नहीं जुटा पाते। तो लेकिन पार्टी ने अनदेखी कर दी, पूछा नहीं, तो ये चीजें दिल में ठेस लगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मान सम्मान होता है, पार्टी हमें सैलरी देती नहीं है, पार्टी हमें कोई खर्चा नहीं देती, किसी चीज का कुछ नहीं देती, सब कुछ हमने मिलजुल के जैसे जेब से लगाओ, चाहे आपसी यार दोस्त जानकार कार्यकर्ता जो भी हम मिलजुल के करते थे, उसके बावजूद भी पूछा नहीं ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और इसलिए हमने सोचा सभी। और ये बाकी बगावत शब्द मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जनता की समस्याओं को उठाना और जनता के लिए एक रास्ता बदलना कोई बगावत नहीं होती। और संविधान ने हमें निर्दलीय लड़ने की ताकत दी है, अधिकार दिया है बाबा साहब ने। बगावत तो अगर पार्टियों का सिस्टम रहता तो एक निर्धन आदमी कोई चुनाव नहीं लड़ पाता, लड़ ही नहीं पाता। जहां तक बगावत की आपने बात की, बगावत सुर की मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि संजय शर्मा आम आदमी पार्टी के नेता थे, और आप निर्दलीय जो चुनाव आवेदन किया है उसका मतलब ही सीधा ये है कि आप भारतीय आम आदमी पार्टी के जो निर्णय से संतुष्ट नहीं है जी। हमारा यही मेरा कहने का उद्देश्य है, ऐसा बगावती हमारे पार्टी बाद में दल बाद में देश पहले। तो अभी फिलहाल संजय शर्मा आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं है जी। नहीं बिल्कुल, मैंने रिजाइन कर दिया है। हाँ। और प्रदेश अध्यक्ष जी को, अन्य पदाधिकारियों को लिखित में मैंने अवगत करवा दिया है। तो आम आदमी पार्टी संजय शर्मा ने छोड़ दी है, तो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी के नाते आपने रेवाड़ी में जितने संगठन बनाए हैं या कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है, वो आम आदमी पार्टी के साथ है या संजय शर्मा के साथ है? मेरे पास बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, बोल रहे भाई इधर से फोन आया है, बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं वहां मीटिंग में, अगर आपको टिकट नहीं दिया हमें जाना नहीं जाना है बताओ। मैंने कि देखो जी मैं अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा, तो मैं आपको कोई आदेश या कोई सलाह नहीं दे सकता, और मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भर चुका हूँ। आपको पार्टी में रहना है नहीं रहना है, आपको पार्टी की मीटिंग में जाना नहीं जाना, वोट करना है सपोर्ट करना है, किसको करना है किसको नहीं करना, ये आप इस अधिकार के लिए आप खुद स्वतंत्र हो। मैं आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, ना मेरे को बाध्य करने का कोई अधिकार है, क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं रहा हूँ। तो आप स्वतंत्र हो, जहां भी जाना चाहो जो करना चाहो कर दो। और वो पार्टी के कार्यकर्ता सपोर्टर है, वो जिधर जाना चाहे, पार्टी के साथ जाना चाहे या मेरे साथ आना चाहे, हमने पार्टी छोड़ दी है, मुद्दे विचारधारा नहीं छोड़ी। नहीं, संजय शर्मा ने आम आदमी पार्टी के ही माध्यम से लोगों को जोड़ा, तो आज अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के साथ जाते हैं, तो संजय शर्मा के पास में क्या बचता है? एक छोटी सी किस्सा बताता हूँ, एक मिनट के अंदर बताइए। एक बच्चा था एक माँ के,
तो एक माह के बच्चा नहीं था, तो उसने दावा कर दिया कि ये मेरा बच्चा है। ठीक है भाई, तो उसने कोर्ट में गया मामला, ऐसे कोई बड़े लोगों के पास गया, तो उन्होंने कहा ये मेरा, उन्होंने कहा नहीं मेरा है जी, उसके पास कोई सबूत नहीं। तो बोला भाई ये तो दुविधा हो गई, तो उन्होंने क्या किया जाए, अभी कोई प्रमाणित नहीं कर पा रहा था उन चीजों को, वो जो झूठी मात थी वो उसका दावा मजबूत खंड दिखने लगा जैसे भी था। तो बोले क्या किया जाए, तो उन्होंने ये किया कि भाई ऐसा है, जब साबित नहीं हो पा रहा, ना इसके पास कोई ठोस प्रमाण है ना इनके पास कोई ठोस प्रमाण है, एक काम करो बच्चे के दो टुकड़े कर दो, एक इसको दे दो एक उसको दे दो। तो वो जो सच्ची माँ थी उसने ये कहा कि भाई रहने दो, ये बच्चा इसी का, ये मेरा नहीं, कम से कम बच्चा जीवित रहेगा, मैं अपना दावा छोड़ रही हूँ। तो मेरे लिए मैंने अपना दावा छोड़ दिया, मैं विचार से पार्टी के साथ हूँ। ठीक है, उनको पार्टी का तमगा मिला हुआ है, वो मिला है पार्टी के जैसा करना चाहे, मैं तो पार्टी की सोच विचार के साथ हूँ बस। अभी मैंने आपसे सुना है आपके अपने किसी चैनल सीएसपी ग्लोबल जॉब्स, द फर्स्ट जॉब कंसल्टेंसी ऑफ हरियाणा, रोजगार दिलाए बेरोजगारी भगाए। पार्टी भी और पार्टियों की तरह पैसों की पार्टी हो गई है, कि कहने का मतलब है कि मैं एक कमजोर आदमी हूं, आर्थिक रूप से मैं कमजोर हूं बेहद, तो शायद मुझ पे इस प्रकार का विश्वास नहीं किया पार्टी को। मजबूत आदमी, पैसे वाला आदमी चाहिए, मजबूत से मतलब आर्थिक रूप से मजबूत है। तो जो झाड़ू जो है इसकी, भारतीय आम आदमी पार्टी की, ये कहते हैं कि सफाई कर देंगे, भ्रष्टाचार इस झाड़ू से मिटाएंगे, गंदगी इस झाड़ू से मिटाएंगे। तो क्या केवल ये आपके नजरों में गंदगी साफ करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, पैसा भी इसी झाड़ू से अपनी तरफ खींचने के लिए, जैसा आप जैसा पता लगे पार्टी पैसे वालों को ही महत्व देती है, ऐसे इस बारे में क्या कहेंगे संजय शर्मा? देखो जी, पार्टी का महसूस तो हुआ है मुझे कि पार्टी में थोड़ा सा पैसे का कल्चर आ गया है, योग्यता को वो थोड़ा सा तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि जहां भी जाते थे मेरे ऊपर भाई कितनी गाड़ी लाओ कितने पैसे लाओगे ये क्या मतलब हो ये गया। पार्टी नेताओं का कहना है। नहीं, पदाधिकारी जो संदीप पाठक जी संगठन मंत्री, उनके जो विधानसभा उपद्रवर जो विधानसभा के इंचार्ज वगैरह लगाते, 2-3 महीने उनका बदला तबादला भी हो जाता है भाई। बस ये से बजट कितना लगाओगे, हम कहते हैं कोई आदमी समय दे रहा वो भी, लेकिन बस थोड़ा सा उनका मतलब सिस्टम। वही है कि जो पूंजीपतियों की पार्टी करती है, जो कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है, जो भी है, कोई भी पार्टी करता ही है इस प्रकार की, पैसे की बात सारी जगह होती है, तो उसी सिद्धांत पे आम आदमी पार्टी चल रही है, आप मानते हैं इस बात? काफी बदलाव आया है, पार्टी विद डिफरेंस अब नहीं रही है ऐसा लगता है, क्योंकि पैसे वालों को तवज्जो देती है, मतलब देखा है महसूस किया काफी। और हमें ना उचित पद मिला, पद का भी हमें कोई लालच नहीं, अरविंद जी कहते थे कोई इस पार्टी में पद के लिए टिकट के लिए आ रहा है तो वो ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अरविंद जी ये भी कहते कि हमारे से कोई विपरीत विचारधारा का कोई सहमत भी नहीं है, तो रिंग के अंदर बात करो, हम रिंग के अंदर हम कोई भी बात रखते कोई समाधान नहीं होता हमारा, कोई सुझाव देते कोई सुनने वाला नहीं। मैंने कि संदीप पाठक जी है सुशील पहुंचाए तो सही, उसको फोन नहीं उठाना बंद कर तो दिया। मान के चल रहे हैं संजय शर्मा के दो स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है। स्टेट में सरकार आने के बाद पार्टी के नेताओं का भी जो रुख है, वो अन्य जो बड़ी पार्टी है उनके नेताओं जैसा हो गया, ये सत्ता के साथ अहंकार आ गया है, अहंकार आ गया। अहंकार पता नहीं क्या है, पंजाब में सरकार आती है ऐसे बन गए भाई वो कर देंगे वो, मतलब इतना अहंकार आ गया पूछो मत। अहंकार नहीं आना चाहिए, बस आदमी के पैर जमीन पे रहने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए अब तो हम टिकट बांटेंगे हम तो वो करेंगे, अपने आप सीएम समझने लग गए, जो भी प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व है वो इतना मतलब फोन नहीं उठाना वो चीजें करना, और पैसे वाले के जो है उनके तुरंत फोन उठते तो हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी का जो नाम है आम आदमी, उसका तो अर्थ ही सार्थक नहीं रहा इस प्रकार से देखा हम जाए तो तो। आम आदमी पार्टी से विचार और सोच और मुद्दों को लेकर के जुड़े थे, अब वो और मुद्दे जो है अलग हो गए हैं, आपको लगता है ऐसा? मुद्दे तो मैं ये नहीं कहता ना अलग हुए, काम किया है एजुकेशन में हेल्थ में काफी अच्छा किया है, और अरविंद जी को भी नहीं पता ये रेवाड़ी की टिकट के बारे में, हरियाणा की शायद नहीं पता होगा क्योंकि वो जेल में है, तो मैं उनके इसलिए नहीं कह सकता, उनको भी दोष देना ठीक नहीं है क्योंकि वो मालूम ही नहीं उनको शायद, मेरे ख्याल से अगर उनको मालूम होता कि वो मेरे को डायरेक्टली जानते हैं, पिछली बार भी टिकट लेने के लिए कहा था, उन्होंने नाम भी लिखकर हम 32 जने गए थे रेवाड़ी सीएम हाउस में दिल्ली 2019 की विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने पूछा था रेवाड़ी से संजय शर्मा कौन है, मैंने सर मैं हूँ,
काफी साल बाद मुलाकात हुई तो थोड़ा भूल जाते इतने सालों बाद। हाँ हाँ हो जाता है तो सब वो। लोग कहने लगे थ्योरिटी पक्की है। फिर हमने उनसे समय कहा, मैंने कहा सर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो आप, 2019 के चुनाव के बाद 2018 में बुलाया था सितंबर में सीएम हाउस में। तो उन्होंने हमने कहा कि सर ना तो माहौल है ना संगठन, इस बार पैसा और समय बर्बाद किया है। उनके नहीं नहीं संगठन है बस माहौल बनाना है, अभी साल और पड़ा है बना देंगे। मैं सर आपका सर आदेश सर माथे पर, आप सर्वे कर लो देख लो आपको गुमराह किया जा रहा है, और जबकि मेरा नाम दे चुके थे, मेरे टिकट भी साल भर का टाइम था, तैयारी भी पूरी हो जाती। तो भी हमने ये कहने की हिम्मत सच्चाई अरविंद जी के सामने रखी, अरविंद जी से डरे नहीं, सच रखना हमारा संगठन मजबूत नहीं है अभी। मैं सीएम मानते हैं, नेता भी मानता हूँ अरविंद जी को, लेकिन ये नहीं है कि भाई उसको सामने गुमराह कर दे वो कर दे, अपने नेता को गुमराह करना फिर ये तो गलत चीज हो जाता है। अच्छा अच्छा चलो, तो अभी आपने सुना संजय शर्मा जी को, इन्होंने बता दिया कि पार्टी से जो इनके विचार जुड़े हुए थे, अच्छे विचार थे, लेकिन पार्टी ने जिस प्रकार से इनके इनके साथ में धोखा किया है, तो ये उनसे अलग होके ही निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा है। जी एक चीज रहेगी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव में लोग नेता से किसी भी पार्टी को चाहे निर्दलीय वो वायदे कर देते हैं, उन वायदों को कैसे विश्वास किया जाए, वो पूरे होते नियर मतदाता जो है वो छलावा हो जाता है उसके साथ। इस बार मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ और मैंने चुनाव प्रक्रिया को बहुत जटिल, इसको आसान बनाने के लिए सिर्फ मैनिफेस्टो पे काम कर दिया, सिर्फ मैनिफेस्टो पहुंचाएंगे। मैनिफेस्टो ऐसा बना रहा हूँ 1952 से आज तक किसी पार्टी ने किसी नेता ने मेरी जानकारी के अनुसार नहीं बनाया, हो सकता है मैं भी रॉन्ग, में जानकारी गलत भी हो सकती है, गूगल पे भी सर्च किया है, हाईकोर्ट के एडवोकेट से सलाह ली है, विभिन्न डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट से सलाह ली है। मैं जो गारंटी जो वायदे करूंगा 100% फुलफिल करूंगा और विधायक की का अधिकार और शक्तियों के अनुसार करूंगा, जो उनको अधिकार शक्तियां होती है, झूठा वायदा एक न करूंगा। तो वो चीजें मैं मैनिफेस्टो के ऊपर चुनाव लड़ूंगा, मैनिफेस्टो ऐसा होगा जो वास्तव में एक नई चीज है, एक्सपेरिमेंट है। तो संजय शर्मा इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा, मेरा मैनिफेस्टो जो होगा वो चुनाव लड़ेगा, और ऐसा होना भी चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होगा। झूठे वायदों का हम करने वालों को हम क्या बिगाड़ देंगे बताओ। तो जो वायदे करेंगे सच्चे करेंगे, पूरी कैसे करेंगे ये भी एक्सप्लेनेशन देंगे, सारी चीजें बताएंगे। तो मैनिफेस्टो को ऊपर वर्क किया है, मैं चुनाव को बहुत आसान बना दिया, मेरे पास बोर्डिंग के अनाउंसमेंट के पता नहीं इतने साधन चाहिए, एजेंट बनाओ ये लाओ इतनी चीजें, मैंने इतना एक आदमी कैसे कर पाएगा, और जुड़ते आदमी उसके साथ, इसके पास पैसे हो, अब हमारे पास चाय कोई आ जाए, चाय पिलाने के भी पैसे नहीं होते नहीं। तो ये पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा हो गया था, मुद्दे हट जाते। तो इस बार हम क्या है कि जातिवाद की राजनीति होती है, ये करते हैं झूठे, हम जातिवाद से की राजनीति को हटा करके मुद्दे के ऊपर लाना चाहता हूँ, एक मैनिफेस्टो बना रहा हूँ बस, वो मैनिफेस्टो आप देखने लायक होगा, और समय मिलेगा तो आप भी बुलाओगे, हम भी आना चाहेंगे आपके इसी चैनल पर। जी जी। और वो मैनिफेस्टो ही सब कुछ होगा, मेरी तो 12 साल की तपस्या और संघर्ष और अनुभव जो है ना मैनिफेस्टो में रहेगा, वो चुनाव लड़ेगा बस, उसका मैं जैसे सिंबल मिल जाएगा 16 की शाम को 17-18 को बना करके रिलीज करेंगे, वो चुनाव लड़ेगा। तो दर्शकों आपने सुना संजय शर्मा जी का, अब चुनाव जिस दिन होगा सब कुछ उसी दिन क्लियर होगा 8 तारीख को, तब तक के लिए धन्यवाद।